हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फ्रेंड हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, बच्चे चले गए हैं पूजा करके स्कूल और मैंने अपना घर का सारा काम निपटा लिया है और कपड़े भी धोए थे, मशीन लगाई थी और ये बेडशीट वगैरह सब कुछ धोया था। बेडशीट चेंज की है दोनों रूम्स की, सोफ़ा के कवर चेंज किए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे तो वो भी धोए हैं और मेरा किचन का काम हो गया है कंप्लीट। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और बच्चों की छुट्टी होगी 2 बजे, तो फिर बच्चों को लेने जाऊंगी स्टॉप पे। उससे पहले मिस्टी मेरे से कुछ बोल कर गई थी फ्रेंड, तो मैं बस उसी के लिए यहाँ पर कुछ काम करने के लिए बैठ रही हूँ ताकि वो आए, उससे पहले मैं कंप्लीट कर दूँ वो काम। तो वो मैं आपको बताऊंगी बाद में मिस्टी मेरे से क्या बोल के गई थी और क्या किया है आज मैंने। तो ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए और वेट कीजिए थोड़ा सा। तो फ्रेंड, घर का सारा काम करने के बाद, सब कुछ निपटाने के बाद मैं आके बैठ गई हूँ सिलाई मशीन पर। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि मैं क्या सिल रही हूँ, ये नहीं बताया था, लेकिन किसके लिए सिल रही हूँ वो बताया था ज़रूर। तो फ्रेंड, ये मैं सिल रही हूँ मिस्टी के लिए। तो फ्रेंड, मिस्टी के लिए वो कई दिनों से बोल रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसको सूट पसंद है कि मम्मा मेरे लिए कोई सूट सिल दो, सूट सिल दो, ऐसे करके हर रोज़ ही बोलती थी मेरे से। मैं उसे हर रोज़ ही टालती जा रही थी क्योंकि मैं कपड़ा कुछ भी कपड़ा वपड़ा नहीं लेकर गई थी सूट वगैरह बनाने के लिए, तो इसीलिए कि बेटा आज नहीं कल सिल दूँगी, कल सिल दूँगी, ऐसे करके बोलती जा रही थी। मैं इससे हर रोज़ ही पूछती थी, लेकिन वो भी हर रोज़ ही पूछती थी स्कूल से आने के बाद कि मम्मा आज मेरा सूट सिल दिया आपने। मैं बोलती बेटा आज नहीं सिला, कल सिल दूँगी। तो बोल रही थी एक दिन, मम्मा आप ऐसे ही बोलती रहती हो हर रोज़ और मेरे लिए आप सूट नहीं सिलती हो, तो आज अगर आपने नहीं सिला मेरा सूट तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा, ऐसे करके सुबह स्कूल गई थी तभी मेरे से बोल करके गई थी। तो फ्रेंड, बस मैं उसी की ये डिमांड पूरी कर रही थी। तो फ्रेंड, कपड़ा तो मैं आज भी ख़रीद के नहीं लेके आई हूँ, जो मेरे पास बचा हुआ थोड़ा रखा हुआ था कपड़ा, ये इसमें से मैंने अपना प्लाजो सिला था ये वाले कपड़े का, तो लाइनिंग वाला कपड़ा है, ये रियॉन का कपड़ा है, तो ये थोड़ा बच रहा था तो बस उसी में से मैं इसका सूट निकाल दिया है, सूट काट करके और सिल रही हूँ, थोड़ा अलग तरीके का सूट सिल रही हूँ। तो जब मिस्त्री ना आकर के पहनेगी तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसा सूट सिला जा रहा है। तो फ्रेंड, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्लियरली दिखाया नहीं है, क्योंकि फ्रेंड मेरा ना फ़ोन का स्टैंड टूट गया है और तो फ्रेंड काम मेरा पूरा हो गया है मिस्टी के लिए, जो मुझे सिलना था वो सिल चुका है और अभी बच गए हैं 2 और मुझे जल्दी जल्दी से जाना पड़ेगा स्टॉप पे, क्योंकि 2:05 तक बस आ जाती है बच्चों की, तो मैं निकलती हूँ बच्चों को लेने। और ये देखिए, मैं मिस्टी को लेकर के आ गई हूँ घर पे और आते ही उसने देखा कि अरे वाह, आज तो मम्मा ने मेरे लिए सूट तैयार कर दिया है, और बोल रही थी आते ही कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, बोल रही थी मैं इसे ही पहनूंगी। और आप उसकी खुशी देख पा रहे हैं वीडियो में, कितनी ज़्यादा खुश हो रही है। और फ्रेंड, फिर अभी टाइम हो रहा है शाम का, तो फ्रेंड ये शाम को मैं अर्जेंट में ब्लाउज़ सिलने के लिए बैठी थी, क्योंकि ये ब्लाउज मुझे तैयार करना था ईशा के लिए, क्योंकि ईशा के स्कूल में प्रोग्राम है कल, जो है दशहरे का प्रोग्राम है, तो वो ना सीता जी बनी है, तो साड़ी वगैरह तो सब अरेंज हो गई थी, रेंट पर आ जाती है, लेकिन ब्लाउज़ जो है फिटिंग से बनते नहीं, तो बस मैं वो ब्लाउज ही उसके लिए तैयार कर रही हूँ। ये केसरिया कलर का ब्लाउज है। फ्रेंड, अभी हो गया है नेक्स्ट सुबह और मैं अपना बच्चों का लंच वगैरह तैयार करने में यहाँ पर लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड, ये मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है और बच्चे अपना तैयार होने में लगे हुए हैं, ब्रश वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं, और बच्चों ने ना नहा धो करके अपनी पूजा पाठ कर ली थी, माता रानी की पूजा करके और शिव जी पर जल चढ़ाने गए थे और माता पर जल चढ़ाने के लिए गए थे, यहीं पास में मंदिर है, मैंने आपको दिखाया कई बार। तो फ्रेंड, ईशा रिद्धि दोनों ही नहा धो करके अपना मंदिर में पूजा करके और फिर मंदिर पर चली गई हैं जल चढ़ाने के लिए। और फ्रेंड, जल चढ़ा करके आने के बाद बच्चों ने कर लिया था नाश्ता, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके स्कूल में प्रोग्राम है दशहरे का,
तो मैं उसी के लिए ये आलता लगा रही हूँ रिद्धिमा के पैरों पर, अभी हाथों पर भी लगाऊंगी, क्योंकि रिद्धिमा का जो है डांस परफॉर्मेंस है बहुत ही, ये काफ़ी टाइम का डांस परफॉर्मेंस है, बहुत देर, तो 15 मिनट का है पूरा, तो 15 मिनट का है, तो उसके लिए ही तैयार होकर के घर से ही जाना था थोड़ा बहुत कुछ करके, और तो हाथों पर भी मैंने लगा दिया है और बच्चे हो गए हैं रेडी और चल दिए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि उनकी बस आ चुकी है यहाँ स्टॉप पर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मिस्टी भी स्कूल चली गई है और मेरा थोड़ा बहुत काम निपट गया है, और मैंने ना सुबह बाल नहीं धोए थे और अभी अभी मैंने बाल धोए हैं, तो सुबह मैं जल्दी नहा लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगी है अब सुबह सुबह के टाइम पे, तो मैंने बाल नहीं धोए थे, बस वैसे ही नहा के खाना वाना बना दिया था बच्चों के लिए, और बच्चे पूजा कर गए हैं, अभी मैं भी पूजा कर लूँगी, और मशीन में डाल दिए हैं कपड़े धुलने के लिए, और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैंने चाय वगैरह पी ली थी और बस ये रह रहे थे कपड़े धुलने के लिए, मैंने मशीन लगा दी है फ्रेंड, और फिर मेरा सारा काम घर का हो चुका था, और फिर मैं बैठ गई थी साड़ी पर फॉल लगाने के लिए, क्योंकि ये साड़ी रह रही थी फॉल लगाने के लिए, तो मैं भी फ्री बैठी थी, बच्चों का अभी स्कूल से आने में टाइम है, तो बस इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ऐसा मैं काम निपटा लेती हूँ अपना, इस साड़ी को फॉल लगा करके रख देती हूँ। तो आज जो है बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम है, तो आज तीनों बच्चे साथ में ही आ जाएंगे, ईशा, रिद्धि, मिष्टी, तीनों की साथ में ही छुट्टी हो जाएगी।